फर्क पड़ा है उनके मुख्यमंत्री बनने से, सांसद बनने से? नहीं, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस हमारी तो यही दुकान है, इसी झोपड़ी में घर चलाते हैं। क्या करती हैं आप यहाँ पर? यहाँ सामान बेचते हैं, प्रसाद फूल प्रसाद बेचते हैं, जैसे चाय बिस्कुट नमकीन, कोई खाना खाने वाले आ जाते हैं तो खाना खिला देते हैं उनको। क्या क्या है मतलब क्या क्या करती हैं आप इस दुकान में? यात्री आते हैं उनको प्रसाद देना, चाय बनवाते हैं, कोई तो चाय पिला देते हैं, नमकीन बिस्कुट, कोई खाना खाने के लिए बोल देता है तो खाना बनाते हैं उनके लिए। लगता है आपको कि आपका आपको भी अब जो है योगी जी बुलाएं या फिर ऐसी जगह जाना चाहते हैं, या फिर अब परिवार और इस गांव से ही आपको इतना लगाव हो गया कि अब जाना नहीं चाहते, नीचे उतरना नहीं चाहते आप पहाड़ों से? नहीं, हमको तो यही अच्छा लगता है, बस हम ये बोलते हैं कि हमारा भाई वही ठीक है, सुखी रहे, बस हमको यही वो है कि मनोकामना उनकी बस यही पूरी रहे कि मतलब वो सही से काम करते रहे वहाँ और उनका नाम रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी हमारे माध्यम से उन्हें आप? हम बोलते हैं कि उनका चारों तरफ नाम रहे और उनको सही सलामत से वहाँ वो कुर्सी रहे, उनकी मतलब उनमें उनका अच्छा सा नाम रहे। योगी आदित्यनाथ की बहन के साथ उनके जो हस्बैंड हैं वो भी पूरा साथ रहते हैं, ये बताइए कि लगता है कि एक मुख्यमंत्री के घर से आपकी बहन आई है, आज वो देश विदेश में उनका नाम है, सोचते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत गर्व होता, काफी खुशी होती है, उनकी वजह से हम लोगों का नाम भी काफी सम्मान से लोग लेते हैं, हमें काफी इज्जत मिलती है। सम्मान मिला, क्या जीवन जीने की चर्या में कुछ परिवर्तन आया आपके? देखिए जी, मेरी तो 1991 में शादी हुई थी, उसके बाद जब से ये मेरे पास आई है मेरी तो जीवनचर्या ही बदल गई। इसने मेरे इसकी वजह से मेरा भाग्य काफी उदय हुआ है। जैसे अगर कोई भी राजनेता अगर इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है तो परिवार के तो वारे न्यारे हो जाते हैं, कुछ ऐसा हुआ परिवर्तन आया? ऐसा देखिये जी, हमारा वो जिस दिन से उन्होंने अपना योग जीवन लिया है ऐसा हमारा उनसे ज्यादा कोई संपर्क